आज हम बनाएंगे मूंग दाल की खिचड़ी। मूंग दाल की खिचड़ी बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा 2 चम्मच मूंग दाल और 1 चम्मच व्हाइट राइस। अब इन दोनों को मैं करीब 15 मिनट के लिए सोक कर दूंगी। मैंने इस मूंग दाल और चावल को भिगा लिया था करीब आधे घंटे के लिए। अब हम प्रोसेस करेंगे इसकी कुकिंग का। मेरे पास एक और छोटी सी कढ़ाई है, मैं इसमें ही बनाऊंगी। ध्यान रखें जब इसको कुक करें तो आपको ज़्यादा पानी में कुक करना है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा इस दाल और चावल को गलने के लिए। तो खिचड़ी बहुत ज़्यादा मोटी ना हो जाए, गाढ़ी ना हो जाए, इसके लिए हमको थोड़ा पानी ज़्यादा रखना है। अभी मैं इसको टाइम टू टाइम थोड़ा सा स्टर देती रहूँगी। इसको आप चेक कर करके थोड़ा थोड़ा बीच में स्टर करेंगे, थोड़ी देर में ये गलनी शुरू हो जाएगी। मैंने अभी तक इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, सॉल्ट या हल्दी कुछ नहीं। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं इसमें सॉल्ट बहुत ही कम और हिमालयन पिंक सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि बेबी को 1 ईयर तक सॉल्ट नहीं देना होता। दैट इज़ वाई आई प्रेफर एडिंग पिंक सॉल्ट। कुछ लोग हल्दी भी डालते हैं, क्योंकि अभी सर्दी है तो मैं पिंक से भी कम हल्दी डालूँगी। इतना सारा वाटर भी इसमें सूख गया, अब मैं इसमें क्या ऊपर से और वाटर डालूँगी। ध्यान रहे ये खिचड़ी बहुत सारा पानी पीती है। मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, अभी ऑलमोस्ट पक चुकी है। मैं इसमें फिर भी थोड़ा और पानी डालूंगी, क्योंकि मुझे इतनी गाढ़ी नहीं खिलानी है। मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी पानी डालकर, फिर थोड़ी देर बाद मैं इसको एक छन्नी से छान लूंगी। इसके लिए मैंने एक स्पेशली अलग से छन्नी खरीद रखी है मेरे बेबी के लिए। ये हम नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं वो वाली है, तो ये काफ़ी बड़ी थी और ये कटोरियों पे फिट नहीं बैठती थी, तो मैंने इसका ही एक छोटा वर्जन खरीद रखा है, जिसमें मैं सारी चीज़ें मेरे बेबी को उसमें ही स्टेन करके देती हूँ, सारा स्टेयर करके। मैं भी आपको दिखाती हूँ, वो छोटी सी है और मैं अलग इसलिए रखती हूँ ताकि उसमें कोई भी ऐसी स्मेल ना आ जाए किसी भी चीज़ की, या वो थोड़ा कम क्लीन रहे तो बच्चे के खाने में बदबू जाए, इसलिए। ये छोटी सी छन्नी है जो मैंने मेरे बेबी के लिए खरीद रखी है। अब मैं इसको क्या इसके अंदर खिचड़ी को छान लूँगी। अब इसमें ये इतनी मोटी है कि थोड़े थोड़े पार्टिकल्स आते हैं दाल और चावल के, बहुत ही छोटे से, जो बेबी ईजिली चबा सकता है, खा सकता है। मैं इसलिए इसमें देती हूँ बनाकर और ग्राइंड नहीं करती, ताकि बेबी को टेक्सचर थोड़ा पता चले फूड का क्या है। अब बिल्कुल ही ग्राइंड कर देते हैं तो वो उसके लिए एक गाढ़ा मिल्क हो जाता है, और ये इसके अंदर थोड़े दाने आते हैं तो बच्चा एंजॉय भी करता है खाने में। अब मैंने इसको टोटली पका लिया है। देखिए आप, छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं अभी भी राइस के। दाल तो खैर पूरी पक चुकी है, राइस भी पक चुका है। मैंने इसको उंगली से दबा कर देखा। अब मैं इसको इससे फ़िल्टर कर लूँगी। मैं एक बार फ़िल्टर करके आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे ये खिचड़ी एकदम ही अच्छी सी टेक्सचर में आ जाएगी। मैं इसको इसमें ऐसे डाल दूँगी, एक्स्ट्रा पानी नीचे आ गया। अब मैं इसको छानती हूँ। ये खिचड़ी अब बनकर तैयार हो गई है। मैं इसको थोड़ा सा स्टर करूँगी ताकि कोई भी लम्स हो तो फूट जाए। इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ है, इसमें कोई भी अब बड़े दाने नहीं बचते क्या। और ये जितनी येलो दिख रही है उतनी येलो है नहीं। तो आप सभी अपने बेबी को ज़रूर खिलाएं। इसमें बहुत सारा प्रोटीन भी है, आयरन भी है, कार्ब्स भी है, जो बेबी को रिक्वायर्ड है। मैं दिन में इसको एक बार उससे ज़रूर देती हूँ। थैंक यू।